जय जय श्री राम। राम की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की, बोलिए अयोध्या धाम की, बोलिए हनुमान जी महाराज की। और देखिए ये राम भक्त सभी लोग आज जहाँ पूरे देश में ये अभियान चल रहा है, भगवान श्री राम अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को है, तो ये प्राण प्रतिष्ठा भले ही अयोध्या में हो रही है, लेकिन सभी लोग ये समझ रहे हैं कि हमारे घर में ही भगवान श्री राम पधार रहे हैं। तभी तो लोग कहते हैं कि राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, अपने घर को सजाएंगे। तो यहाँ सभी राम भक्त इसी भाव को मन में लेके पहुँच रहे हैं घर घर, और राम जी का पत्रक देने के लिए कि आप लोग भी अपने घर को दीपों से सजाएं, लाइटिंग से सजाएं, रंगोली बनाएं और बढ़िया फूलमाला से सजाएं और पटाखे चढ़ाएं, सारे रंगोली सजाएं। सारे सभी राम भक्त घर 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 में जो अयोध्या से जो अक्षत आए हुए हैं, इन अक्षतों को देने के लिए घर घर पहुंच रहे हैं। यहाँ बालाजी बस्ती में ये सभी राम भक्त तैयार हैं जाने के लिए घर घर में, और कई जगह अभी जा भी चुके हैं और ये निकल पड़े हैं। सभी लोग जा रहे हैं घर घर में और अक्षत देने के लिए। चाहे रात हो या दिन हो, सिर्फ एक ही काम है, भगवान श्री राम का काम। राम लक्ष्मण जान की, राम लक्ष्मण जान की, राम लक्ष्मण जान की, राम लक्ष्मण जान की। और 22 तारीख को अयोध्या था, 22 तारीख घर को डेकोरेट करना, अपन को बढ़िया दीप जलाना है और बढ़िया घर को सजाना है, लाइटिंग से रंगोली सजाना है। ठीक है, वाह वाह वाह, चलो। और यहाँ परवारी मोहल्ले जो बालाजी बस्ती के अंतर्गत आता है, यहाँ सभी लोग हर घर में जा रहे हैं। यहाँ लखेरे जी का घर है, यहाँ देखिए आप महिलाएं कितने आतुर हैं और यहाँ इंतजार कर रही हैं कि राम जी के अक्षत जो अयोध्या से आए हैं। थोड़ा बाहर निकल के आओ, अयोध्या से जो राम जी के अक्षत आए हैं उनका बेसब्री से इंतजार कर रही थी ये महिलाएँ। और ये परवारी मोहल्ले बालाजी बस्ती में यहाँ वितरण किए जा रहे हैं अक्षत, और आप देख सकते हैं। आप लोगों को मालूम क्या करना है, ये अक्षत हैं अयोध्या जी से आए हैं, तो इनके साधारण अक्षत मत समझना, ये राम जी के ही प्रसाद हैं। इनको पूजा घर में रखना है, जब भी कोई त्यौहार हो तो दो ऐसे अक्षत लिए और अपने खीर वगैरह में डाल दिए तो पूरा प्रसाद भगवान श्री राम का बनेगा ये। और इस भाव से आप लोग उनको उसको ग्रहण करना, तो आपको लगेगा कि हाँ हमने प्रसाद ग्रहण किया है। लो भैया, यहाँ देखिए आप गंगा लखेरे जी हैं, कितने भाव से लिए हुए हैं। इनको पूजा घर में रखना है, ठीक है। लो दो उनको, लो 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 लो, बिल्कुल लो। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अम्मा जी कुछ कहना चाहेंगी आप? आप क्या सौभाग्य समझती हैं आप यहाँ आई हैं? ये बताओ हम लोग, आप कहाँ पहले ये बता, कहाँ आई, कहाँ हैं आप छतरपुर में? बेटी के यहाँ हैं। बेटी का मतलब अपनी बेटी के घर में आई हैं आप? रहने वाली कहाँ की हैं? रीवा की हैं। आपका हमें भाव ऐसा लगा, आप पीछे खड़ी थी जब आपने सुना कि नहीं ये तो अयोध्या से अक्षत आए हैं, तो आप निकल के बाहर आई, थोड़ा आप अपने भाव से प्रकट करिए, क्या कहना चाहेंगी आप? अब क्या इतनी खुशी हुई कि आज हमारे राजा राम हमारे मतलब आ रहे हैं, जैसे लंका से आए थे उसी प्रकार अब फिर भी आ रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है, हम जब गए थे तो उनको हम उसमें दिखे थे टेंट में बैठने, टेंट में। हाँ। इतनी दूर से दर्शन हुआ तो हमें बहुत दुख लगा था कि इतनी दूर से हम आए अपने भगवान को ठीक से देख ना पाए। आप जब अच्छे से नयन भर देखेंगे तब आत्मा संतुष्टि मिलेगी। क्या कैसा लग रहा है आपको, क्या अनुभव कर रही है आप अयोध्या में? इतना बड़ा मंदिर बन रहा है भगवान श्री राम का, बताई नहीं जाती कि कितनी खुशी होती है। ये बताइए आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हम तो बहुत खुश हैं, हमारे लला आ रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? इतने
हम आ गए राम लला उनकी अयोध्या से। इससे बड़ी और क्या खुशी हो सकती है कि उनका मंदिर बन गया। हम सबको बहुत खुशी हुई और उनका अभिषेक होगा उस दिन, उसकी भी बहुत खुशी होगी। हम अपने घर में उनकी वहाँ तो नहीं जा सकते, लेकिन अपने घर में जरूर उत्सव मनाएंगे उनका और उनकी पूरा अपना अनुभव करेंगे। और जो हो सकेगा वो करेंगे। आपको पता है, आपको पता है कि 5 दीपक तो जरूर ही जलाना है, वो चलना है, पूरा दिवाली मनना है। आप महिलाओं को अपने आप क्या संदेश देना चाहते हैं? पूरे शहर की महिलाओं क्या कहना चाहेंगी? बस एकजुट होकर एक दिवाली मनाएं। एक त्योहार कहते हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय त्योहार जैसा मनाना है हम लोगों को, पूरे विश्व सबको दिखाना है कि हाँ कुछ तो है। 22 तारीख को क्या बात है, क्या बात कही है। इनका कहना है कि विश्व में, वैसे देश में दिवाली मनाई जाती है, लेकिन ये बहुत बड़ी दिवाली है जो पूरे विश्व में मनाई जाएगी। यहाँ सभी राम भक्त खड़े हुए हैं और आगे के लिए इनका मार्ग प्रशस्त हो रहा है, आगे के लिए है ना। यहाँ सभी लोग जाते हुए और आगे की ओर, और दिन हो रात हो दोपहर हो, क्या बच्चे क्या बूढ़े क्या जवान, सभी लोग राम काज के लिए लगे हुए हैं और मन में सिर्फ एक ही भाव कि हमें भगवान श्री राम का काम करना है और घर घर तक ये अक्षत जो अयोध्या से आए हैं वहाँ पहुँचाना है। तो हम लेंगे विदा आप लोगों से, ऐसे ही आप लोग हमको लाइक करते रहिए, हमारे फेसबुक पेज को, यूट्यूब चैनल को, और आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।